हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू बाइकर बाय शुभी। सो दिस इज़ डे 5 ऑफ अवर एमपी ट्रिप। सो अभी हमें पंचमढ़ी में है और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं चौड़ागढ़ महादेव टेंपल, जो कि हमारे होटल से अराउंड 12 किलोमीटर था। और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है आज, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, मतलब बादल भी नहीं है अभी तो, और धूप चढ़ी हुई है, अच्छा ठंडा सा मौसम है। और अभी ये सारा जंगल ही है यहाँ पे तो पूरा, और यहाँ आसपास देखे सारे जंगल जंगल है, बीच में से छोटी सी रोड है उसमें से जा रहे हैं हम। और बस आज बहुत एंजॉय करेंगे, चौड़ागढ़ महादेव टेंपल जाएंगे, उसके बाद में जो एक दो व्यू पॉइंट्स है वहाँ देखेंगे, तो उसके बाद में शायद हम अगर धूपगढ़ में सनसेट पॉइंट भी है, वैसे हमें ये पता कि सनराइज़ पॉइंट है वहाँ पे, सनसेट भी हो तो हम देखेंगे शाम को जाएंगे, नहीं तो हम कल सुबह जाएंगे धूपगढ़ और देखेंगे। और आज हम अपना होटल चेंज कर रहे हैं और आज हम जाएंगे एमपीटी के क्लब व्यू होटल था। और ये बंदा अभी अपने शूज चेंज कर रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग एंड फॉर सम हु आर वाचिंग फ्रॉम यूएस गुड नाइट। सही बात है, कनाडा से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से होंगे। तो ये बंदे पहले इसके इतने सैंडल्स डाले वैसे तो, अब इसका जो थोड़ा सा ऐसा ट्रैकिंग है तो अपने शूज़ डाल रहे हैं, तो वो सभी निकलेंगे। और उसके बाद हमने कहाँ जाना है, उसके बाद ये हांडी खो होते हुए जाएंगे ना वापस। हांडी खो पहले कर लेंगे चौड़ागढ़, उसके बाद हांडी खो कर लेंगे। चौड़ागढ़ में भी दो तीन पॉइंट है ना, दो तीन टेम्पल है आस पास साथ साथ ही। चौड़ागढ़ के पास मेरे को चौड़ागढ़ तो ऊपर है, उससे नीचे एक हनुमान जी का टेम्पल है शायद, जहाँ से चौड़ागढ़ की चढ़ाई शुरू करते हैं शायद। हाँ तो मतलब दो तीन टेम्पल इकट्ठे से है वो, पर उस पूरे को चौड़ागढ़ बोलते हैं। अच्छा, एक ही व्यू पॉइंट है वो चौड़ागढ़, जिसमें तीन चार टेम्पल है। अच्छा, तो अपन व्यू पॉइंट के मुकाबले के मामले में तो हांडी को कर लेंगे, ठीक है ये कर लेंगे। और अगर फिर भी टाइम बचा, नाश्ता करने का मन नहीं हुआ, भूख नहीं लगी, तो देखते हैं फिर। चलो देखते हैं, दिखाएंगे आपको आगे। सो गाइस, अभी पहले जा रहे हैं प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट एंड इको पॉइंट। ये देखेंगे चौड़ागढ़ के रास्ते में आता है, और इसकी जो ट्रैक है वो है अराउंड 500 मीटर से या 1 किलोमीटर से, इससे 1 किलोमीटर तो नहीं होगा, कम ही होगा, बट 500 मीटर है। और सुबह सुबह का टाइम है, और अभी टाइम हो रहा है 6:56। सो हम अभी पहुँच चुके हैं प्रियदर्शन व्यू पॉइंट, हार्डली 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। सही बात है, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट्स लगा। और आपको दिखाते हैं व्यू पॉइंट का नज़ारा। हैं, इको पॉइंट था वो, यही होगा वो, वो आगे जाके है क्या कहीं थोड़ा, नहीं यही होगा, नहीं नहीं यहाँ प्रियदर्शन दिखा तो है, कहीं और होगा। यहाँ प्री वेडिंग शूट चल रहा है अभी। अच्छा, यहाँ से पूरी खाई से दिखती है ना, अरे नीचे खाई से दिखती है पूरी। अब उस साइड से देखें, उधर से देखते हैं। देख नीचे ये देखें, ये पूरी खाई दिखती है, और वहाँ सामने ऊपर चौड़ागढ़ टेंपल है। यहाँ से भी उस साइड से रेज आ रही सारी, तो शायद नहीं दिखाई इस टाइम, जहाँ हमने जाना है वो बिल्कुल सामने, यहाँ से दिखता है चौड़ागढ़ टेंपल, ऊपर बना हुआ है छोटा सा दिख रहा है। और देखें पूरा वैली का व्यू, वैली तो नहीं है बट सारे पहाड़ों में खाई का व्यू आ रहा है। क्या देख रहे थे, लेकिन पूरा परिवार ही आया था कि हाँ वेडिंग शूट कराने आया, प्री वेडिंग शूट। सो गाइस, अभी हम वापस निकलेंगे प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट से फोटोज वगैरह क्लिक करके, और वहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा, तो हमने ज़्यादा उनको डिस्टर्ब किया नहीं, तो हमने सोचा चलो हम आगे चलते हैं।
तो उस नहीं तो हम आगे भी लेट हो जाएंगे क्योंकि उनका तो अभी लंबा चलना था शूट और हमें जाना था चौड़ागढ़। हाँ तो बस अभी यहाँ से यह है रास्ता यहाँ का और बीच में पता नहीं पेड़ गिरा हुआ है। हाँ सामने गिरा हुआ है या फिर गिराया गया है वही बात है। वैसे तो गिराया हुआ लग रहा है, गिराया हुआ पर ये गिराएंगे कैसे बीच में रास्ते में समझ नहीं आ रही। ये गिरा होगा, ये टूटा हुआ है ना, ये वाला पेड़ से देखिए ये टूटा हुआ है यहाँ से ये पेड़ है ये यहाँ से टूटा हुआ है। सो गाइस अभी खड़े हैं हम ग्रीन वैली व्यू पॉइंट पे, ये देखिए पूरा दिख रहा है वैली। ये वैली क्यों लिखा है यहाँ पे यार, ये वैली थोड़ा ना है, नीचे वैली नहीं ये पहाड़ है। वैली होता है जहाँ नीचे सारा शहर शहर होता है। नहीं मतलब ठीक है उनकी नज़र में ये ग्रीन है विद वैली वैली है ठीक है। डोंट फाइंड लॉजिक इन एमपी गवर्नमेंट है ना, कुछ भी कर सकती है। सो अभी पहुंच चुके हैं चौड़ागढ़ महादेव की पार्किंग में और ये गाड़ी पार्क करी है हमने। सारी पार्किंग है यहाँ पे प्रॉपर 20 रुपये पार्किंग के लगते हैं यहाँ पे। और यहीं से आप चौड़ागढ़ महादेव, गुप्त महादेव और बड़ा महादेव, ये 3 टेम्पल है तो यहाँ तीनों जा सकते हो। अभी पहले तो यहाँ से पार्किंग में सबसे नियरेस्ट है गुप्त महादेव और उसके बाद में है यहाँ से हम ऊपर जाएंगे चौड़ागढ़ जो उसकी 3.5 किलोमीटर ट्रैक है, 1.5 घंटा लगता है। फिर वहाँ से वापस आके यहाँ से और ऊपर यहाँ से थोड़ा सा तो उस साइड सामने जाके है बड़ा महादेव, तो सारा दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ घूमेंगे और उसके बाद में हम मोस्ट प्रोबेबली अपना चेक इन करेंगे MPT क्लब व्यू में, वो भी आपको दिखाएंगे होटल वो कैसा है। तो बस चलते हैं अभी। सो हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है चौड़ागढ़ महादेव का और अभी टाइम देखें 8:02 और हम देखते हैं वापस कितने बजे आएंगे। और यहाँ नीचे उतर के पार्किंग से नीचे उतर के पहले तो है आएगा गुप्त महादेव, उसके बाद आएगा चौड़ागढ़। दिखाते हैं आपको सारा ऐसे ही ट्रैक होगा पत्थरों वाला। तो ये पहुंच चुके हैं हम गुप्त महादेव, तो ये बस पार्किंग से नीचे 2-4 मिनट चल के आ जाता है ये बजरंग बली का मंदिर बना है यहाँ पे। यहाँ अंदर गुफा में जाके आएगा 20 मीटर। अच्छा अरे यार नहीं जा रहे, नहीं नहीं जाइए जाइए यार, हमें लगा 2-3 किलोमीटर होगा वहाँ डेट उस पर लिख रहा बोर्ड पे कि 2 किलोमीटर है। अरे वहाँ उस पर लिख रहा 2 किलोमीटर गुफा। सो ये गुफा है। सो गाइस ये गुफा इतनी पतली कि निकलने में मुश्किल होती है इससे। अभी मंदिर में तुम दिखा सकते हो अभी यहाँ पर फोटो खींचना है वीडियो बनाना है मंदिर में दिखा रही हूँ मतलब मना कर रखा है और देखो मुश्किल से निकलना पड़ता है यहाँ से। सो ये देखें कैसा ट्रैक है और अभी ध्रुव के ऊपर बंदर अटैक करने लगे थे, इसके बैग उठा के लेके जाने लगे थे पर बच गया ये। अरे हम तो यूं बोल यार हम तो बच ही जाते, इसके बैग उठा के लेके आए थे बंदर। और जब भी आप आए ऐसे एक लकड़ी अपने पास जरूर रखें ताकि बंदर आप पर अटैक ना करें। और यहाँ से देख के शूज़ ध्यान से गिले हों तो थोड़े गिले हों। ये वही वाला रास्ता है क्या?
हाँ जो उसने दिखाया था वीडियो में बंदे ने शायद कह रहा था उसके शूज गीले हो गए मेरे को तो लगता पर नहीं ये नहीं लग रहा यार वो थोड़ा सा ओपन ज़्यादा था और ध्यान से गिरियो हमें चढ़ाई की आदत है ट्रैक करते रहते हैं हिमाचल में सो ये आगे है पहली पायरी या तो फर्स्ट पॉइंट है ऐसा कुछ होता होगा तो यहाँ से ये देखें गेट बना हुआ है मंदिर की चढ़ाई का पहले तो हम सारा उतर के आए हैं बट यहाँ से अब चढ़ाई शुरू होगी और ये देखें त्रिशूल रखे हुए हैं यहाँ पे और ऊपर जाके दिखाएंगे ऊपर हज़ारों लाखों त्रिशूल पड़े होंगे बिकॉज यहाँ की मान्यता है कि अगर किसी कोई यहाँ पे विश पूरी होती किसी की कोई मांगता है तो यहाँ पे त्रिशूल चढ़ता है जो मैंने वीडियो में सुना था किसी के मेरे को मैं नहीं पता ऐसे जो वीडियो मैंने किसी के सुना था वही आपको बता रहा हूँ मैं तो ऐसे त्रिशूल हमें देखने को मिलते रहेंगे रास्ते में लिखा हुआ है यहाँ पे बस यहाँ से देखेंगे कितने पड़े कह रहे थे मैं कह 1400 कह रहे थे शायद आई थिंक टोटल मतलब 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है और अभी टाइम हो रहा है 8:40 मिनट हो गए मैं शुरू चले गए और आगे देखते हैं कितनी देर और पहुंचते हैं सो ये एक बीच में रास्ते में सीता नहानी गुफा के नाम से है यहाँ कुंड बना हुआ कहते और बंदरों से सावधान यहाँ पर सो ये देखें ये कुंड बना हुआ है यहाँ पर ये पत्थर से रखे हैं मैंने क्या है ये मेरा तो ये विश मांगते हो ऐसा कुछ होगा सिस्टम यहाँ जैसे पत्थर रखे हैं यहाँ पे अबे शी इज नथिंग मतलब वो अंडे दे के जाए अच्छा जी इसको कर दे यहाँ पे अंडे देके उसको बंद कर दे ये देखें ये है अंदर कुंड भाई तेरे लिए हो जाएगी मेरे लिए हो जाएगी जरूरी हर वीडियो उसमें डालना है आधा सो हम लोग हाफ वे आ चुके हैं एंड बहुत ही अच्छा व्यू है मज़ा आ गया बट अब गर्मी बहुत है सन इज़ एट द टॉप एंड लोकल्स ने ये कहा है कि यहाँ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है अभी बहुत तेज़ गर्मी है अभी बारिश है बट वी कांट स्पॉट एनी क्लाउडी या रेनी क्लाउड्स इन द नियर बाई एरिया वहाँ पे मेरे दोस्त शुभम फोटो खिंचाते हुए वो खींचते हुए आ गया एंट्री गेट चौड़ागढ़ महादेव टेंपल का और देखिए त्रिशूल बने हुए सभी जगह और पूरा थक गए हैं एक यहाँ पे ना धूप होता ऊपर तो एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा अभी हम 2 घंटे हो गए अपने 2.5 घंटे हो गए ना 2.25 घंटे हो गए तो 2.25 घंटे उतरने में फिर चढ़ने में आई थिंक घंटा लगेगा उतरने में नीचे से और सो फाइनली पहुंच गए हैं चौड़ागढ़ महादेव और इतनी धूप है ना बुरा हाल हो गया चढ़ते चढ़ते लास्ट में ऊपर आ गया तो पूरा तेज हो गई
और सामने दशूर लगे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये देखें, यह है चौड़ागढ़ टेंपल और यहाँ सारे त्रिशूल लगे हैं कितने बड़े बड़े। और यहाँ कहते हैं शिवरात्रि पे ये तो 1200 किलो का त्रिशूल लेके आते हैं पूरा नीचे से, देखो कितने बड़े बड़े त्रिशूल लगे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस टाइम धूप थोड़ी कम हो गई है और सामने टेंपल, अभी अंदर जाएंगे, अंदर आई थिंक अंदर जाना अलाउड नहीं है, बंद है अंदर शायद अभी। सो गाइस अभी आधे रास्ते में वापस आ चुके हैं, आधे से ज़्यादा आगे, मतलब मोस्टली आई गए, थोड़ा सा रह गया। और मतलब जब निकले थे तब 10 मिनट बाद ही बारिश शुरू हुई थी पूरी तेज, और देखे रेनकोट हमने डाल रखा सारा, शूज़ तो गीले हो, वाटर रेजिस्टेंट होने के बाद ही गीले हो गए हैं, बिकॉज इतनी तेज़ बारिश थी कि अंदर से पानी चला गया ऊपर से। बस अभी देखा 10 मिनट और लगेंगे नीचे उतरने में, पूरा ये तो पूरा गीला हो चुका है, फुल निचोड़ रहा है ये बंदा। बारिश हो रही है और पहाड़ पे हो तो बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और होता है। रेनकोट किस तरह लेके आए थे? रेनकोट हम जब लाए थे जब हमको बारिश स्टार्टिंग में मिल जाती है। अच्छा। हम पहले पसीने से भीग गए, फिर बारिश से भीगने में क्या बुराई। चलो बस अभी नीचे जाएंगे और देखते हैं आज और क्या क्या घूम सकते हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? 1:45 हो गए, तो बस अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास छोड़ घूमने की जगह। अभी बाइक से लॉन्च जाएंगे, वहाँ से देख पूछेंगे क्या 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 चीज़ घूम सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो परमिशन की टिकट लगती है फॉरेस्ट एरिया की, तो वहीं से देनी पड़ती है परमिशन। तो बस फिर दिखाते हैं आपको आगे और क्या क्या होगा आज। दिखा दिया। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में और बारिश में भीग गए थे, इनको डाला था फिर भी थोड़ी बहुत बारिश चली गई थी अंदर, और ध्रुव ने डाला नहीं तो वो पूरा गीला हो गया था। तो हम आके नहाए यहाँ पे पहले तो पूरा, फिर चेंज चेंज किया और आज हमने होटल चेंज कर लिया ना। आज हम रुके हैं MPT के क्लब व्यू होटल में, शायद क्लब व्यू ही है आई थिंक, मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्लब व्यू होटल है। और यहाँ पे बंदर बंदर भी घूम रहे हैं अच्छे से और पूरा अच्छा बना है ये, है मतलब सरकारी होटल है बट अच्छा है ये। मध्य प्रदेश टूरिज्म के जितने भी होटल देखे सारे बढ़िया हैं। और दिखाते हैं आपको अपना रूम अभी, जो प्राइवेट लेते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ पंगा रहता है, कोई सफाई नहीं कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे टोटल प्रोफेशनलिज्म है, तो इसलिए दिखाते हैं अभी आपको। ये है हमारा रूम, 2 नंबर रूम है हमारा, और ये बंदा बैठा रेस्ट कर रहा है। ये रूम है कितना बड़ा है, हीटर भी है इस रूम में, एसी भी है, जिसे की ज़रूरत है वो बंदा ले सकता है। तो बाकी ये है ड्रेसिंग एरिया इसका, हमें देखें ये अलमीरा हो गई, ये बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत बड़ा है इसका। तो बस अभी निकलेंगे और अभी जटाशंकर महादेव के टेंपल जाएंगे और थोड़ा बहुत और देखेंगे, और एक तो बाइसन लॉन्च में भी जाएंगे और कल के लिए टिकट्स हम करानी है अपनी, तो उसके लिए पहले बुकिंग लेंगे इसलिए देखेंगे। सो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ बाइसन लॉन्च, तो हम कल के लिए पूछने आए हैं अभी कि कल का क्या सिस्टम होगा, कि कैसे कैसे चार्जेस लगेंगे, या हम अपनी गाड़ी में जा सकते हैं कि नहीं, और अगर हम उनकी गाड़ी लेंगे तो वो पूल हो जाएगा कि नहीं, तो सब पता करना हमें। सो हम निकल चुके हैं जीप में, हम जब पहुंचे काउंटर बंद होने वाला था तो हमने ज़्यादा प्लेसेस नहीं करने थे, तो हमने जस्ट 3-4 प्लेसेस करने थे, तो हमें वैसे डील मिल गई बढ़िया बहुत, और हम 2 ही जने हैं जीप में। वैसे तो हमारे 3,000 लगने थे पर हमारे बहुत कम पैसे लगे अब, तो बस अभी पहले जब से धूपगढ़ जा रहे हैं, धूपगढ़ के बाद एक दो और व्यू पॉइंट हैं, उसके बाद में फिर शायद या तो बैरिस्टरिंग पॉइंट देखेंगे या फिर जटाशंकर देखेंगे।
नहीं होता कब कैमरा घुमा देता है। सो हम पहुंच चुके हैं अभी धूपगढ़ और यहाँ पे सनराइज या सनसेट पॉइंट है। और ये देखिए यहाँ की एंट्री है, लेफ्ट में है सनसेट सनराइज पॉइंट, राइट में सनसेट पॉइंट है। ओहो भीड़ जगह कितनी ज़्यादा है वहाँ पे यार, बहुत लोग खड़े हैं वहाँ पे, बहुत जनता खड़ी है। अभी आपको दिखाएंगे पहले सनराइज पॉइंट, फिर उसका दिखाएंगे सनसेट पॉइंट। तू आ जा, तुझे मना किया है, तू बातें मारता रहता है, फिर कहते हैं मुझे लेके नहीं गए साथ। अंकित जिप्सी का नंबर सेव कर रहा था मैं। अच्छा मैं उसकी जिप्सी की फ़ोटो खींच ली मैंने, बेबी नंबर की इसकी। सो ये देखें कितना क्राउड है यहाँ पे, अभी सामने से खड़े हुए जगह नहीं यहाँ पे यार बिल्कुल भी, इतने लोग खड़े हैं। ओ यार पहले तो कुछ था ही नहीं, पहले हम आराम से आगे जाके खड़े चाहे थे यार, एकदम खतरनाक हो रहा है। अच्छा सो कोई गिर गया ना तुम्हारे घर का, तभी से बंद कर दिए। मैं तो यहाँ बैठ के खिंचाया था पहले। अच्छा ओह देखे कितना वैली का व्यू है पूरा, बहुत ही सही व्यू था यार उस टाइम। सो ये देखें सारा वैली का व्यू, वो शायद वहाँ की पचमढ़ी की लेक है वो वाली। हाँ इस जगह पे है वो, देखो चौड़ागढ़। हाँ वो चौड़ागढ़, अब वहाँ जाके आज वहाँ जाके आए थे। ये इस पॉइंट पे चौड़ागढ़ महादेव टेम्पल है, और जब हम वहाँ थे हमको ये एरिया नहीं दिख रहा था। अच्छा मतलब दिख रहा होगा बट हम समझ नहीं पाए थे कि यहाँ पे भी है कुछ, दिख रहा था ऐसे कुछ शायद यार। इनका मोबाइल मिल गया उसको बताओ। सो भी जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, टाइम हो गया है अभी 5:40 हो रहे हैं, और सनसेट टाइम कितना बता रहे हैं मतलब वो देखना पड़ेगा नेट पे, बट हो नहीं होगा। चलो देखते हैं अभी सनसेट का टाइम क्या है, और होप सो आज सनसेट अच्छा मिले हमें। थोड़ा क्राउड है यहाँ पे यार, इधर होगा ना सामने, तो वापसी आगे कुछ खाएंगे यहाँ पे यार है ना। हाँ कुछ देखते हैं लाइट सुबह से हमने ना ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, ना हमने क्या कहते हैं लंच किया। हाँ। और आज घूम घाम ही रहे हैं, ना हमने डिनर किया, अभी डिनर का टाइम है। दिस इज माइक्रोवेव स्टेशन, बताओ मतलब आई डोंट नो माइक्रोवेव स्टेशन, बट मैंने भी पहली बार सुना। ठीक है सभी सभी सनसेट का वेट कर रहे हैं, और सनसेट का टाइम अभी देख के बताते हैं आपको कितना है। और देखिए कितना क्राउड है अभी यहाँ पे यार, वो अंकल जी। तो यही था, मैंने ये वीडियोस में देखा था ऐसा ही। सामने सनसेट होगा अभी, सो गाइस सनसेट होने लगा है पूरा, मतलब अब 2-4 मिनट तक और पूरा सनसेट हो जाएगा। देखो पूरा सन नीचे जा रहा है, और इतना बढ़िया व्यू आ रहा है, कैमरे में पता नहीं इतना आ रहा का नहीं, बट बहुत बढ़िया लग रहा है इससे। सो ये देखें गाइस कैसा येलो येलो सा हो गया है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है अभी, कितना मज़ेदार व्यू है यार, सारा आसमान येलो येलो हो चुका है। आज क्लाउड्स हैं तो उसकी वजह से क्लाउड्स भी पूरे येलो येलो शेड दे रहे हैं। एक्चुअल में क्लाउड्स आ गए हैं वो, ये देखना कितना क्लाउड्स आ गए, बहुत सही क्लाउड्स आ रहे हैं। हाँ सो गाइस हम आ चुके हैं वापस अपने होटल में, और आज का दिन बहुत बढ़िया रहा,
पूरा एंजॉय किया आज। पहले तो वहाँ पे जोड़ागढ़ टेंपल गए, वहाँ ट्रैकिंग की, फिर बारिश आ गई, उसमें भी बड़ा एंजॉय किया। और उसके बाद में गए धूपगढ़ वगैरह गए और व्यू पॉइंट देखे हमने कुछ। उसके बाद हम रात को हम वो कौन सा टेम्पल गए थे, अपना जटाशंकर टेम्पल भी गए थे, बट वो इतना अंधेरा दिखा नहीं पाए। तो आज फिर हम जाएंगे, दिखाएंगे आपको जटाशंकर टेम्पल। तो मतलब कल का दिन बड़ा अच्छा गया था हमारा, और ये बताएगा कल कैसा रहा कल का दिन। कल का दिन अच्छा गया मेरे लिए, तो नया एक्सपीरियंस ये था कि मैंने धूपगढ़ में पिछली बार सनराइज़ देखा था, इस बार सनसेट देखा। ये आपका जटाशंकर में मैं पिछली बार दिन में गया था, इस बार रात में गया। इस बार फिर से दिन में चला जाऊँगा इसके साथ वीडियो के लिए, बट रात में जाने का मेरे को अलग ही एक्सपीरियंस दिख रहा था। एकदम काले काले बादल और सॉरी काले काले पहाड़, एकदम ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी बिल्डिंग पास में खड़ी है और सामने ऊपर तारे, तो मतलब मुझे तो अच्छा लगा था ओवरऑल। और कल हमने बेस्ट पार्ट ये किया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम 6 या 7 पॉइंट कवर कर लेंगे, लेकिन हमने 6 या 7 पॉइंट एक साथ एक दिन में कवर कर लिए। और वो भी 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जिसके लिए पचमढ़ी जाना जाता है, एक धूपगढ़ और एक चौड़ागढ़। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें और चैनल में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय।